सभी जानते हैं कि हर स्वादिष्ट खाने का अपना रंग होता है। आपका फेवरेट रंग कौन सा है? मेरा लाल है, ये बहुत चमकीला होता है। आइए जल्दी पता करें कि हमारे हीरोज को कौन सा रंग पसंद है। मल्टीडू में आपका स्वागत है। कितना सुंदर है, मुझे नीला रंग बहुत पसंद है और मुझे एक नीला केक मिला है, इसे कहते हैं किस्मत। और मुझे गुलाबी रंग पसंद है जो सभी लड़कियों को पसंद होता है, और मेरा केक गुलाबी है स्ट्रॉबेरी के साथ। वाह, कितना सुंदर और बड़ा केक, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे काला केक क्यों मिला है। आशा करता हूँ कि यह स्वादिष्ट हो। ये तुम बाद में पता कर लेना, क्योंकि मैं पहले खाना चाहती हूँ। मेरे केक को गमी आइट से सजाया गया है, इसे पहले खेल सकते हैं और फिर इसे खा सकते हैं। कितना बढ़िया है, जब तक तुम खेल रही हो हम कुछ गमी तुमसे चुरा सकते हैं। अपने हाथ हटाओ, तुम्हें मेरे केक को छूने की इजाजत किसने दी? और मेरी आँखों को हिम्मत भी मत करना। ठीक है, चिल्लाओ मत, मैं अपने केक और कैंडी को खुद संभाल सकती हूँ। ये तुम्हारे मुंह में जाते ही गायब हो जा रहे हैं। इसे कहते हैं स्पीड, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितना। देखो अब मेरे पास अंतिम आग बची है। क्या इतनी जल्दी खा सकना संभव है? देखो लगता है मेरी तीसरी आंख है। यह सच में असली की तरह लग रहा है, कितना अच्छा। खैर अब आंखें खत्म हो गई है, अब केक की बारी है। कितना स्वादिष्ट क्रीम है, मुझे ये खाना ही है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। ओ, इसे देखकर मेरा सिर घूम गया। बस हो गया, सारी फ्रॉस्टिंग खत्म हो गई। यह तुमने क्या किया बेचारा केक। अब बस केक का भूरा बोरिंग हिस्सा बचा हुआ है, अब इसे हटाया जा सकता है। अब सूजी का हो चुका, इसका मतलब मेरी बारी। आशा करता हूँ कि केक का यह रंग किसी भी तरह उसके स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। वाह, यह केक वास्तव में स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। हाँ पर तुम वो काले ब्रोकली को क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि मुझे वह पसंद नहीं है, मेरे पास पर्याप्त स्वादिष्ट केक है। यह तुम क्या कर रहे हो, असल में तुम्हें जो कुछ भी मिला है तुम्हें वह सब खाना होगा। सूजी मुझे परेशान मत करो, मेरा पेट भर गया है, तुम्हें यह खाना ही होगा। नहीं मुझे अब नहीं खाना। अगर तुम्हें खुद से नहीं खाना है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देखो मेरे पास क्या है, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगी। नहीं मुझे नहीं खाना। देखो हवाई जहाज आ रहा है, मुंह खोलो। ओ, अपने हाथ गंदे करने की भी जरूरत नहीं है। छी, इसका स्वाद कितना गंदा है। एक और मम्मी के लिए। बस हो गया, ये बहुत बेकार है, मुझे ब्रोकली पसंद नहीं है। आखिरकार अब मैं अपना केक खा सकती हूँ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, उन ब्रोकली के लिए मैं मैरी से बदला लूंगा। छी, तुम्हारे केक से इतनी बदबू क्यों आ रही है? क्या सच में इसे बदबू आ रही है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तुमने ये क्या किया? क्यों? वाह, अब तुम्हारे पूरे चेहरे पर स्ट्रॉबेरी है और फ्रॉस्टिंग भी। तो क्या ये अभी भी स्वादिष्ट है? ओ हाँ, तब फिर ठीक है, शायद हम भी इसे खा सकते हैं। किसी हाल में नहीं, मैं यह सारा खुद खाऊंगी। खैर हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, यह सही नहीं है। वाह, कितनी छोटी सी सुंदर सी चीज है, बस यह समझना बाकी है कि यह कैसे काम करता है। मुझे पता है ये कैसे काम करता है, ये साधारण गम मशीन है। मुझे भी गम मशीन मिली है, पर ये काफी बड़ी है। जब तक जैक अपनी मशीन से गले मिल रहा है, मैं अपनी मशीन से कैंडल निकालने की कोशिश करती हूँ।
मैं किस्मत वाली हूँ, पहली बार में ही जैकपॉट, ये मस्त है। लेकिन मशीन ने केवल एक गमी क्यों दिया, मुझे और चाहिए। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। उफ, ये बेवकूफ मशीन, ये काम ही नहीं कर रहा है, अब क्या करूं, मैं गम कैसे निकालूं? बस हो गया, मैं इस मशीन को हथौड़े से तोड़ दूंगी। ये हथौड़ा है, ये तो टूथपिक लग रहा है। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तो अभी इस भारी हथौड़े के बारे में क्या ख्याल है? तो अब बाय बाय गम मशीन, हेलो च्युइंग गम, सब ठीक है, अब मुझे और तरसना नहीं होगा, मैं बस इन च्युइंग गम को खा सकती हूँ। ये कितने स्वादिष्ट है, कितना स्ट्रेची है ना, ये अच्छा। वाह, बहुत बढ़िया। सूजी के गम इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं, इसलिए मैं भी अपने गम अपनी वेंडिंग मशीन से जल्द निकालना चाहती हूँ। हालांकि मुझे अब तक समझ नहीं आया कि कैसे करना है, मुझे लग रहा है कि ये मुश्किल है। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसे धीरे धीरे और बहुत सावधानी से करना होगा। तुम इतने जल्दी में क्यों हो, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। धीरे धीरे, प्रत्येक कैंडी हमारे पास आने के लिए इस छेद में गिरना चाहिए। बस हो गया, जैक ने फिर सभी को बचा लिया, और इसके लिए वो पुरस्कार का हकदार है, इन च्युइंगम के रूप में। जी नहीं, मैं इसे तुम्हारे मदद के बिना भी ठीक से संभाल सकती हूँ, इसलिए यह लो। वाह, गम खाने का कितना सुविधाजनक तरीका है, कोई हाथ गंदे नहीं, इसी मशीन से छेड़छाड़ नहीं, बस एक जैक चाहिए। क्या तुम मुझे इस तरह से धन्यवाद कर रही हो? खैर ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे गम हैं, बस मुझे उसमें एक सिक्का डालना है और तुरंत गम मेरे हाथ में। वाह, देखो कितने सारे च्युइंगम बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी भी उस गेंद में काफी है, मेरे पास लंबे समय के लिए पर्याप्त स्टॉक है। दोस्तों, सभी के पास च्युइंगम थी, पर किसी ने बबल बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे पता है, क्योंकि तुम लोग निश्चित रूप से हारोगी, मेरा बबल बहुत बड़ा होगा और अब मैं इसे साबित करूंगा। लगता है बबल बहुत बड़ा हो गया। देखो जैक उड़ रहा है, उसे पकड़ो, नीचे खींचो। बचाओ, ओ, ओ, आ, ये मजेदार था, लगता है हमारा अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर आ रहा है। हाँ, 5 मिनट की उड़ान अच्छी थी। जैक तुम बहुत मजाकिया हो। पेन, पर ये क्यों मिला है? मुझे खुद नहीं पता, मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन बॉल के अंदर कुछ स्वादिष्ट हमारा इंतजार कर रहा है। चलो पहले मुझे पल्ले पता करने दो कि इसमें क्या है। वाह, यह कोई साधारण कैंडी नहीं है, बल्कि स्कीटल्स कैंडी है, और बहुत सारे भी। मैं एक ही बार में सारी कैंडी खा लेना चाहती हूँ। ओ यार, ये बहुत स्वादिष्ट है। जैक, अब तुम्हारी बारी। हाँ, बॉल पर जो लिखा हुआ है उसे देखकर तो लग रहा है कि चॉकलेट सिरप मेरा इंतजार कर रहा है, और यह वॉफल के साथ सबसे अच्छा लगता है, तो मैं अपना वॉफल तैयार कर लेता हूँ। सब मेरे ऊपर क्यों गिर गया? लगता है तुमने वॉफल के साथ गलती की है, तुम्हें इसे बाई तरफ रखना चाहिए था। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है, तुम्हें पता है अभी क्या होने वाला है? अब मेरे पास एक अच्छी चॉकलेट मूछें होंगी। हाँ, एक बच्चे की तरह, और शायद बिल्ली की तरह। हमें जरा भी हंसी नहीं आ रही है। ओह चलो, तुम लोग बहुत बोरिंग हो। अच्छा होगा मैं अपना वॉफल खाऊं।
मैं क्या करूं? अगर मैं बॉल में छेद करती हूं तो फैंटा मुझ पर गिरेगा। मुझे लगता है बॉल से सीधे फैंटा पी सकते हैं। इस तरह से बहुत अधिक सुविधाजनक हो जाएगा और स्वादिष्ट। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे फैंटा से दूर रहो। लालची, उसे सबक सिखाना जरूरी है। बिल्कुल, यह आइडिया सही रहेगा। ये तुमने क्या किया? मैं पूरी तरह से चिपचिपी और गीली हो गई हूँ। अगली बार से इतनी लालची मत बनना। इसकी महक चॉकलेट की तरह है। यह मुझे खाकर देखना होगा। यह तो जाहिर है, हम लोग किस्मत वाले हैं। और इसके साथ ट्रीट भी है। इतने कमाल के डोनट्स। यह बड़ा सा गमी बेयर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे चीज तो पसंद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे चॉकलेट में ढकने के बाद इसका स्वाद अच्छा होगा। यह क्या हो रहा है? मेरा चॉकलेट फाउंटेन तो चीज फाउंटेन में बदल गया। अब तो यह बहुत स्वादिष्ट होगा। ओह, शायद यह कहने में मैंने थोड़ी जल्दी कर दी। डैडी, वो मत देखो। लेट्स गो। मुझे पता है यह किसे पसंद आएगा। चूहे, मुझे चूहे बिल्कुल नहीं पसंद। उसके चिल्लाने पर ध्यान मत दो मेरे प्यारे, तुम बस खाओ। और फिर हमने सब खत्म कर दिया। शुक्र है कि यह खत्म हो गया और अब मेरी बारी है। चॉकलेट और डोनट तो एकदम सही जोड़ी है। तुम्हारा फाउंटेन तो गुलाबी हो गया। यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं तो तुरंत अपने सारे डोनट्स को इसमें ढक दूंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। कितना अच्छा है। ओके। लगता है अब मेरी बारी है। चलो शुरू करते हैं मिस्टर बेयर। वाह, फाउंटेन नीला हो गया। यह मेरे गमी ट्रीट के साथ अच्छे से जा रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट। वाह यार, एंडी, यह क्या हो रहा है? वह तो एक एलियन में बदल गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो। हाँ, क्या यह मेरी उंगली है? कैसे कर रहा है? बहुत अच्छा, अब तो मेरे पास जादुई शक्ति है। वो कौन है? अरे, तुम लोग को उल्लू बनाना कितना आसान है। जादुई हमारा इंतजार कर रहा है। Okay. लेकिन पहले हमें पता लगाना होगा कि इसका सच में मतलब क्या है। वाह, बर्गर। Awesome. यह तो कमाल के लग रहे हैं। Cool. Bingo. I love you. Yeah. मैं बहुत खुश हूँ। What? लेकिन यहाँ एक बड़ी सी समस्या है। मैं एक बर्गर पर कभी कुछ मीठा नहीं डालता। Let's go. हमें कोशिश तो करना होगा। ओ, तुम्हारा बर्गर बदल गया। याहू, फैंटास्टिक, ग्रेट, वाह, हाउ स्वीट। अब तो यह मीठे ट्रीट का बना है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और यह स्ट्रॉबेरीज बहुत स्वादिष्ट है। मैं भी इसे मना नहीं करूंगा। ओके। ठीक है, नहीं लूंगा। यह पूरा मेरा है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बता ही नहीं सकती कि ये कितना अच्छा है। Oh my God! Wow!
ये सबसे अच्छा बर्गर है जो मैंने अब तक खाया है। आशा है कि एक और कमाल का जादुई बदलाव हो जाए। कुछ तो गड़बड़ है। ये तो एक बर्फ के टुकड़े में घिरा हुआ है। यह क्या बकवास है? इसे खाना तो नामुमकिन है। It's my turn. आशा है मेरा ठीक हो। Hey, you. क्या भयानक बदबू है? No, please. नहीं या नहीं, नीला चीज। Okay. जैसा दिखता है उससे भी बुरा इसका स्वाद होता है। मैं ये नहीं खा सकती। कितना गंदा, मैं ये नहीं देख सकता। अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, लेकिन अब मुझे ये किताब फेंकनी होगी। हमारे फाउंटेन हमेशा की तरह स्वादिष्ट लग रहे हैं। यह तो तुमने सही कहा। लेकिन नींबू, मुझे खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे फिर से गमी कैंडी मिले हैं। यहाँ देखो, मुझे तो लगता है आइसक्रीम सबसे अच्छा होता है। शायद ये मीठी परत से इसका स्वाद का खट्टापन थोड़ा कम हो जाए। क्या? खा कर देख ही लेती हूँ। ओके। लगता है यह कैंडी का बड़ा सा टुकड़ा है। मुझे लगता है तुम्हारा मतलब था खट्टा कैंडी। मुझे तो पूरा यकीन है कि गमी आंखें मीठे होंगे। मैं यह खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अरे सारे कहाँ चले गए? यह रहे दो। हमें देख रहे हैं। तुम बस ऐसा सोच रही होगी। वो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं तो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। लेकिन मेरा आइसक्रीम तो एकदम अलग ही मामला है। अब इसके ऊपर ये लगाती हूँ। ओ जैन, वो उधर क्या है? मैं बस ये इधर डाल देता हूँ। ये क्या है? अब तो मैं एक यूनिकॉर्न की तरह लग रहा हूँ। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो पता ही था। I'm waiting. Let's go. मैं तैयार हूँ। इतना बड़ा सा तरबूज? What? जो एक मछली से तो हजार गुना बेहतर है। Oh, no. वाह, फिर से मेरी लॉटरी लग गई। कितना अच्छा फ्रॉस्टिंग है। Hey. मैं शुरू कहाँ से करूँ? मुझे लगता है कराटे चॉप अभी सही रहेगा। वाह, यह तो पीला है। कितना अलग सा है। इसे खाकर देखती हूँ। स्वादिष्ट। मैं तो ये और खाने के लिए तैयार हूँ। और एक और चम्मच भरकर। इतने सारे बीज, इन्हें तो मुझे फेंकना होगा। तुम क्या करने जा रही हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ देर के लिए तुम मेरे टारगेट की तरह काम करोगे। एकदम सही निशाना। इससे अच्छा होता कि तुम मुझे शुभकामनाएं दे देती इस गंदे से मछली के लिए। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। यह क्या था? ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। मैं कोशिश करता हूँ। देखो देखो,
छी, यह कितना गंदा था, कितना खराब। नो, अब मैं और नहीं खा सकता। मैं तो खुशी खुशी अपना केक खाऊंगी। शुरू करती हूँ फ्रॉस्टिंग के साथ। और अब सब साथ में। अच्छा, तुम्हें ये इतना पसंद आ रहा है तो क्यों ना अपना पूरा मुंह ही इसमें घुसा लो। ये तुमने क्यों किया? बस एक मजाक था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। यार यहाँ बहुत गर्मी है। पानी? नहीं नहीं, नो। लेकिन ताजा और रसीला फांटा। हाँ कृपया। हाँ हाँ, हम में से प्रत्येक के लिए एक। मैं पीला लूंगी। मेरे लिए हरा। यम। इसका मतलब मैं तब लाली ले लेती हूँ। बहुत अच्छा। ओ, बहुत स्वादिष्ट। वाह, ये क्या बकवास है? अभी क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मेरी शर्ट। एमा, क्या चल रहा है? आपको एक पीला टी शर्ट मिला है और अब मैं हरे रंग में हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है। देखो, मेरी लाल शर्ट है। ये कैसे हो रहा है? एंडी कहाँ गया? मैं नहीं जानती, लेकिन मैं वास्तव में डर गई हूँ। इधर आओ एमा। ओ नहीं, एमा भी नहीं। किस तरह? मैं कहाँ हूँ? यह कौन सी जगह है? अरे एमा, तुम यहाँ हो? ओ दोस्तों, इस सेटअप के साथ क्या है? हम इसे प्रत्येक के लिए अलग अलग रंग के कपड़े और एक प्लेट। क्या यह एक चुनौती है? जैसा कि गिरोह ने सही अनुमान लगाया है, वे एक रंग कोडित खाद्य चुनौती में पड़ गए हैं। एमा के लिए पीला, एंडी के लिए हरा और मैरी के लिए लाल। चलो खा ही लेती हूँ। सिर्फ शिमला मिर्च, स्वादिष्ट है। तो डरने की कोई बात नहीं है। नहीं, मिर्च भी है। पानी, प्याज किसी भी तरह से बेहतर नहीं है। ओह, अत्यंत खट्टा। ओह नहीं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। यह तीखी है। एमा, चलो बस थोड़ा और। हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं जीत गई। तो मैं क्या बिना किसी चीज के लिए प्रयास कर रहा था? एंडी, अपने कान को देखो। ओह, और एमा, तुम भी। एमा, क्या क्या हुआ? मेरे कान भी लाल है ना? हाँ, यह बहुत अजीब है। दूसरा राउंड आने वाला है और हमारी तिकड़ी का एक और काम है। एक अंडे की जर्दी, ब्रोकली और लाल कैवियर की एक प्लेट। खरगोश का खाना? छी, कितना बेकार। इससे अधिक स्वादिष्ट मैंने कभी नहीं चखा है। मुझे मांस का बड़ा टुकड़ा क्यों नहीं मिला? इसे खाना नामुमकिन है। मैं नहीं खा सकती। मैं मना कर रही हूँ। मैं इसे नहीं खा सकता। आप दोनों को क्या शिकायत है? मेरा कहना है कि यह चुनौती अद्भुत है, उंगली चाटने लायक है और मैं जीत गई। क्या मेरा दूसरा कान लाल है? हाँ। और मेरा पीला? मुझे लगता है हरा। बिंगो, खेल जारी है। एक पीला टार्ट, हरा अंगूर और लाल लाल गमी बियर। इतना मीठा, स्वादिष्ट। तीसरे दौर में भी सबका मन पसंद। हर कोई बहुत खुश लग रहा है। मुझे गामी बहुत पसंद है। मैं रुक नहीं सकती। अब तक का सबसे अच्छा दौर। अरे हाँ, सब्जियों से बेहतर फल।
जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था कि इस दौर में किसी को भी अपने खाने से कोई शिकायत नहीं है, कोई हारा नहीं, सभी विजेता। जरा गौर कीजिए, हमारे तीनों प्रतियोगियों के गर्दन भी लाल हो चुके हैं, लेकिन रोकने का कोई कारण नहीं है। केला, एक खाली प्लेट और तरबूज। अरे मेरा खाना कहाँ है? या यही है। तरबूज बहुत अच्छा। एंडी, आपको धीरज रखना होगा। या अपना हरा सामान ले लो। तरबूज के छिलके? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? यह सबसे बुरी चीज है जो मुझे आज खानी पड़ी, और मैं फिर से जीत गई। लड़के और लड़कियां, आप सभी को अधिक से अधिक कवर किया जा रहा है। खैर, एक चुनौती किसी का इंतजार नहीं करती है, रंग चाहे जो भी हो। तीखे सरसों के साथ फ्राइज, खीरे के साथ बसाबी और टबास्को के साथ मूली, गर्म और मसालेदार दौर में आपका स्वागत है। सबसे खराब किसे मिला? मेरा तो पासा ही पलट गया, यह तो बहुत ही तीखा है। मैं अपने अंदर की आग और सांस की जलन को जगा रहा हूँ। फायर डिपार्टमेंट को फोन करने का समय हो सकता है। कोई भी अपनी डिश को संभालने में सक्षम नहीं था। पीले होठ, हरे होठ, और मैरी फिर से भाग्यशाली है, उसने दमकल इंजन जैसी लाल रंग की लिपस्टिक लगाई है। इन तीनों के लिए आगे क्या परोसना जा रहा है? केक, समुद्री शैवाल और एक गुलाब। मैं एक फूल के साथ क्या करने वाली हूँ? यह सुंदर है, लेकिन यह कैसा स्वाद है? यह उतना भी बुरा नहीं है। समुद्री शैवाल सलाद, यह बहुत अनुचित है। मुझे ही सारे पौधे क्यों मिल रहे हैं और कोई स्वाद भी नहीं है। केक मेरा पसंदीदा है। वाह, यह अच्छा दौर है। ये वंजन लड़कियों के पक्ष में थे। एम और मेरी एक और अंक लेते हैं। एंडी, ज्यादा कुछ नहीं। सभी छह बाहें लगभग पूरी तरह से रंगी हुई हैं, लेकिन यहाँ किसी को कोई आश्चर्य नहीं है। वे सभी इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या हो। भुट्टे, एस्पेरेगस और लाल ग्रेपफ्रूट। लगता है कि एंडी को फिर से कोई सब्जी मिल गई। जो भी हो, समुद्री शैवाल के बाद अब मैं और किसी चीज से नहीं डरता। इतना रसदार यह मकई कुरकुरा और स्वादिष्ट है। मुझे इस बार लड़कियों को हराना है। मैं एक और हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरकार मैंने अपनी प्लेट खाली कर दी, वो भी तुम दोनों से पहले। प्रत्येक दौर में उनके शरीर का एक नया हिस्सा रंगे हुए होते हैं। इस बार यह उनकी भौहें थी। चीजें दिलचस्प हो रही हैं। एमा के पास कुछ भी नहीं है, मैरी के पास कुछ भी नहीं है, और एंडी के पास किसी तरह वास्तव में सब्जियों के अलावा कुछ है। रुको एंडी, इतनी जल्दी नहीं। क्या, क्यों? पीला बन मेरा है, लाल टमाटर मेरे लिए है, और तुम्हारे लिए हरी सलाद, एक और पौधा। नहीं, मैरी ने अपने टमाटर जल्दी से निकाल लिए, एमा ने भी अपने बन खा लिए, पर एंडी फिर से ज्यादा समय लगा रहा है। मैं फिर से पहले स्थान पर हूँ। कौन परवाह करता है? इसका मतलब है कि यह दौर खत्म हो गया है और मैं इसे बर्गर को खा सकता हूँ। कोई हाल में नहीं।
इसके बारे में भी मत सोचो। हम चुनौती के अंतिम दौर में पहुंच गए हैं। गिरोह लगभग पूरी तरह से रंगे हुए हैं। एक चिंतित है, कोई घबरा रहा है और तीसरे के साथ सब ठीक है। एक कप में कुछ पीला, हरी मटर और एक अनार। हो जाए युद्ध शुरू। ये बहुत स्वादिष्ट है। मानो या न मानो, मुझे मटर बहुत पसंद है। मैं इस फल को कैसे खोलूं? लगता है मेरी हारने वाली है। 100%। मैं तुम्हें खोलूंगी। खोलो, खोलो। हाँ, अब जीत के लिए एक लंबी छलांग। मुझे स्पीड गति बढ़ानी पड़ेगी। मैरी को जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही जीत गया। और अब हमारी चुनौती समाप्त हो गई है। ये तीनों सिर से पांव तक रंगे हुए हैं और अपने आयाम में वापस भेज दिए जाते हैं। आह, घर, प्यारा घर। ये यहाँ बहुत सुकून है अम्मा। दोस्तों, हम वापस आ गए हैं, लेकिन हम अभी भी रंगे हुए हैं। मुझे लगता है यह सभी इस पेज की वजह से है। मैं फिर कभी सोडा नहीं पीऊंगी। मैं भी नहीं, किसी भी हाल में नहीं। तो वे सभी एक ग्लास सादा पानी ले लेते हैं। तीनों की ओर से एक अच्छा फैसला। ओह, यह काम किया। वाह, बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है कि मुझे अपना पेट भरने का मौका मिला है। हालांकि अगर मुझे धीरे धीरे खाना है तो इसकी संभावना कम है। मुझे तो तेज गति से खाना है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। यह बर्गर तो बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। अब मैं पूरी तरह से हर अंतिम टुकड़े को काट काट कर खाऊंगी और आनंद लूंगी। सूजी, मुझे लग रहा है कि तुम जरूरत से ज्यादा धीमी हो रही हो। अगर तुम इसी तरह से खाओगी तो तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगी। तो क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। और यह हो गया। अब केवल अंत का है तुम्हारे लिए। मुझे सही में यह पसंद आ रहा है। अरे, इसके सारे अच्छे सामान किधर गए? मैरी, क्या तुमने ऐसा किया? मैं बस तुम्हारी मदद कर रही थी। माफ करना, अब और बात करने का समय नहीं है। यह डबल डेकर बर्गर मुझे बुला रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही है और मेरे पास इसके साथ लेने के लिए कोक भी है। अब देखो, मैं तो इसे जल्दी से खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करूंगी। मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। हो गया और हो गया। अब इनको नीचे उतारने के लिए एकदम सही कॉम्बिनेशन। मुझे इस बार अच्छा कार्ड मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। कछुए का जीवन मुझे मिला है। स्लाइमी मछली, कहो ऐसा नहीं है। मैं इसे किसी भी गति में नहीं खाना चाहती। यह बहुत बदबूदार है और फिसल भी रही है। छी। नहीं, बस हो गया। मैं अब और नहीं कर सकती। मुझे लगता है मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी। यह इतना बड़ा क्यों है? यह तो एक बुरे सपने की तरह है। मैरी, तुम यह कैसे कर पा रही हो? वह? मेरा मतलब है, यह सब उतना बुरा नहीं है। इसे देखो। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा प्रदर्शन दोहरा पाऊंगी और तुम्हें करना भी नहीं है। हम तुम्हारे लिए समुद्री खाने का स्मूदी बनाने जा रहे हैं। अब इस महाशय को ब्लेंडर में डाल दो और अब हमें बहुत ही सुगंधित ड्रिंक मिलेगा जिसे तुम जल्दी से पी पाओगी। लो, अब पियो। पर मैं नहीं पीना चाहती। पर तुम्हें तो पीना ही पड़ेगा, तुम्हें पसंद आएगा। थोड़ा सा भी नहीं। आह, टुकड़े की बात कर रही थी। छी।
ऐसा होता है। मैं नई डिश के लिए तैयार हूँ और मुझे जो कुछ भी मिलेगा उन सबको खाने के लिए भी तैयार हूँ। मध्यम गति ठीक है। मैं अपने कार्ट से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। थोड़ा धैर्य रखो। क्या कर रही हो मैरी? मैं इन सारे चिप्स को इस कटोरे में डाल रही हूँ। अब इस डब्बे की जरूरत नहीं है। और यह अंतिम समूह चिप्स का और अब अंतिम चरण का काम। तुमने ऐसा क्यों किया? सर ऊपर करो, मुंह पूरा खोलो मेरे दोस्तों और अब खाओ। मुझे नहीं लगता कि एक चिप भी मेरे पास आ पाएगी। ओह, शायद थोड़ा जल्दी बोल दिया, पर मुझे और चाहिए। चलो अब आओ भी। धीरे करो, मैं इन सबको इतनी जल्दी नहीं पकड़ सकती। कोई चिप्स के बरसात में फंस गया है। मैं इसके लिए पागल नहीं हूँ। ये तेज गति ही मेरा नाम बन गया है। वही पहले जैसा। यह सच नहीं है, हमें एक नया व्यंजन मिला है, नूडल्स सॉस के साथ। मैं सामान्य गति से इसे एक बार खाती हूँ। और यह रहा, मुझे नहीं पता है कहाँ से शुरू करना है। ओह, मुझे इसे और कॉम्पैक्ट बनाने की आवश्यकता है। यह बेहतर है। अच्छा शिष्टाचार है। बहुत स्वादिष्ट। अब तुम्हारी बारी है। मेरा सुझाव है अब तुम इसे शुरू करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह काफी समय लेगा। वाह, कितना लंबा नूडल्स का टुकड़ा। पता नहीं इसका छोर किधर है। या क्या, तुम इधर क्या कर रही हो? मैं अभी बहुत उलझन में हूँ। जेन, यहाँ से चली जाओ। माफ करना, मुझे बस इस नूडल्स को खत्म करना है। बस तुम अब यहाँ से जाओ। ओह, व्हाट? मैं बस अब अंत के पास ही हूँ। आह, यह कचरे के डब्बे में खत्म हो रहा है। इस सब के पीछे जरूर मेरी का हाथ है। यह सब मुझे पता होना चाहिए था। बस तुम देखती रहो मेरी। कचरे वाला खाना बहुत मजेदार। हाँ नहीं, वो वास्तव में पागल लग रही है। अब अपने खाने का आनंद लो। ओह, आखिरकार मुझे तेज गति से खाने को मिला है और वह भी केक। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं पहले शुरू करती हूँ। मैं तो बस इसमें खो ही गई हूँ। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अभी रुको, मैं शुरू कर रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मुझे इसे खत्म करने में बस थोड़े ही समय लगेंगे। मैं हमेशा से केक में अपना पूरा मुंह घुसाना चाहती थी। वाह, मुझे नहीं पता था कि वो मीठा इतना पसंद करती है। तुम लोग क्या देख रही हो? यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुमने अपनी प्लेट तक साफ कर ली है। मैं धीरे से शुरू करूंगी, बस अपने फ्रॉस्टिंग के साथ। और हम तुम्हारे केक का ध्यान रख लेंगे। अरे, मेरा सारा केक कहाँ गया? तुम एक घोंघे के गति से चल रही थी तो हमने तुम्हारी मदद कर दी। कैसे दोस्त हो तुम लोग? इस बार किसी को भी मेरे डिश को लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ओह, फिर से इतना समय लगेगा। अरे नहीं, ब्रोकली,
इसे खाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। छी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लगता है सूजी को पसंद नहीं आया। मुझे भी यह पसंद आएगा इसमें संदेह है, लेकिन तब भी मेरे पास बहुत समय है इसे खाने के लिए और इसे बेहतर बनाने के लिए। और इस तरह से तुम्हारे शुरू करने से पहले ही मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। धैर्य एक गुण होता है मेरी दोस्त। अब देखो यह कितना सुंदर हो गया। और अब इसे ऊपर से कुछ सॉस के साथ सजा देती हूँ। यह तो पाक कला की एक कृति बन गई है। सुंदर, स्वादिष्ट और पौष्टिक। अब खाने का समय। अरे नहीं, मैंने इसे स्वादिष्ट कहकर गलती कर दी। यह तो बहुत गंदा है। यह चीज सॉस मुझे बचा लेगा। अब मैं इसे खाने से डर रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे तोड़ दूँ तो यह आसान हो जाएगा। देखो जल्दी हो रहा है। मैं इस छोटे पेड़ के हर टुकड़े को खींच लूंगी। यह अटक गया था। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। कितना शर्मनाक है यह। आज भाग्य मेरी तरफ है। हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। यह कैसा पौधा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओह, कितना नुकीला है। मैं कोशिश करती हूँ। इसकी कोई संभावना नहीं दिखती कि यह मुझे पसंद आएगा। छी, मेरा हो गया। मैंने कोशिश कर लिया, बस हो गया। क्या सच में यह इतना खराब है? अगर मैं इस चीज को काट दूं तो शायद ये उतना बुरा नहीं होगा। चलो देखते हैं। छी, नहीं, कोई अच्छा नहीं। पर अगर मुझे सही याद है तो यह चीज हमारी त्वचा के लिए अच्छा होता है। एक फेस मास्क मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरी त्वचा मुलायम हो गई है, जैसा कि मैंने कहा था। मैं क्या करूँ? ठीक है, अब जो है सो है। मुझे शुभकामनाएं दो। वाह, सूजी के पास एक मजबूत इच्छा शक्ति है और दांत भी। मैं अब और थोड़ा भी नहीं खा सकती। मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए था। वैसे देखो मैंने इसे क्या बनाया है। कोई बुरा नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे पास एक किटकैट है। और मैं और भी भाग्यशाली, मेरे पास बहुत सारे किटकैट हैं। नहीं, मैं सबसे भाग्यशाली हूँ। मेरे पास कितने सारे ट्रीट्स हैं। एक बड़ा सा किटकैट टावर। अरे हाँ, सच में बहुत सारे हैं। हाँ यार, मुझे सिर्फ एक ही चॉकलेट मिला है, पर तब भी ये अच्छा है। मेरा विश्वास करो, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बस रैपर हटाना होगा। माफ करना, मुझे खाने का बहुत मन है। सारे टुकड़े उड़कर मेरे पास क्यों आ रहे हैं? अरे शिकायत मत करो, कम से कम अब तुम्हारे पास कुछ स्वादिष्ट है। टिकट कमाल का होता है। चलो अब वो भूल जाओ। हाँ, वो सब छोड़ो, क्योंकि अब किटकैट खाने की मेरी बारी है। पहले मैं सारे रैपर हटाती हूँ। वाह, और अब मैं इसे अच्छे तरीके से खाऊंगी। मेरे पास एक कांटा और चाकू भी है। इस चाकू से कुछ कट ही नहीं रहा है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं इसे ऐसे ही खा सकती हूँ। अब तुम देखना, पलक झपकते ही ये सारे किटकैट प्लेट से गायब हो जाएंगे। ये चॉकलेट कितना स्वादिष्ट है, और इसके अंदर कुरकुरा वेफर भी है। मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ। तुम डरावनी लग रही थी उस चॉकलेट को खाते वक्त। मैं डरावनी? कम से कम मुझे मोनिका से ज्यादा चॉकलेट मिला है। अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं अपने टावर को संभालती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। इस सीढ़ी की मदद से मैं ऊपर तक चढ़ पाऊंगी। इधर ऊपर से खाना ज्यादा आसान है,
देखो मैं एक एक करके किटकैट खा सकती हूँ और फिर रैपर को फेंक सकती हूँ। तुम वो हमारे ऊपर फेंक रही हो। ये इतने स्वादिष्ट है कि मैं सारे एक साथ खाना चाहती हूँ। बस बहुत हो गया, हमें अभी कुछ करना होगा। कितना स्वादिष्ट। मेरा चावल कहाँ गया? ये क्या हुआ? ये तुम दोनों ने क्या किया? चोर, कितने खराब हो। माफ करना, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। ये इस बार चिप्स मिले हैं, पर कुछ तो गड़बड़ है। सबके एक जैसे है, या तो नियमों के खिलाफ है। मेरा कहना है कि मैं पहले चलती हूँ और फिर समझ आ जाएगा कि नियम क्या है। Awesome! अजीब है, कहाँ क्या? मेरे चिप्स किधर है? अब मैं समझ गई। सबसे कम तो है, पर ये जरूर सबसे स्वादिष्ट होगा। तुम देखना। वाह, मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट चिप्स नहीं खाए हैं। अफसोस है कि सिर्फ एक मिला। इतने निराश क्यों हो? चलो अब मेरी बारी है। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे सूजी से ज्यादा चिप्स मिले होंगे। चलो। अजीब है, चिप्स कहाँ है? ये कैन खाली क्यों है? ओह, अब समझ आया। ये रहे, ये टेबल पर पड़े हुए थे। क्या मेरी याद आ रही थी? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे मुझे लगता है मुझे छींक आ रही है। ओ नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा हाँ ठीक हो, तुम्हारे पूरे चेहरे पर चिप्स लग गए हैं। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे चेहरे पर तो लग गए, पर सारे चिप्स गिर गए। मुझे कुछ चिप्स दिख रहे हैं। क्या? नहीं, इस तरफ देखो भी मत, ये मेरे प्रिंगल्स हैं। देखो ये चिप्स का टावर कितना बड़ा है। ये तो छत तक पहुंच रहा है। ये कितना बढ़िया है। अब मुझे बस ये खाना होगा। वाह, इतना तेज। तुम्हें क्या लग रहा था मैंने जल्दी खा लिया कि कोई मेरे चिप्स न चुरा सके? मुझे भी खाना है। मुझे पता है, अब हम अपना बदला ले सकते हैं। मुझे लगता है कि वो थोड़ा कोला मना नहीं करेगी। बस गिराना मत। जूडी, क्या तुम ये पीना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मुझे कोला चाहिए। हमारी शरारत काम कर गई। वाह, ये कितना मजेदार था। बिल्कुल नहीं, ये मजेदार नहीं था। कितने खराब हो, मुझे लगा था कि हम दोस्त हैं। अरे नहीं, लाल मिर्च क्यों? तुम्हें तो सिर्फ एक मिला है, मुझे बहुत सारे, बहुत सारे। यहाँ देखो, मेरे पास मिर्च का एक पूरा पहाड़ है। कोई तो बदकिस्मत निकला। किसी को बहुत सारे तीखी लाल मिर्च खानी होगी। जो भी हो, मुझे सबसे कम मिला है, तो मैं पहले चलती हूँ। मुझे यह नहीं खाना, पर मैं कर लूंगी। जितना मैंने सोचा था उतना बुरा नहीं है, मैं यह खा सकती हूँ। हो गया। अरे नहीं, लगता है शुरू होने वाला है। मदद करो, पानी दो। धन्यवाद मोनिका, अब मैं ठीक हूँ। जूडी, अब तुम अपने मिर्च खाओ। इतनी जल्दी? मैं चाह रही थी कि और समय मिल जाए। यह उतना अच्छा नहीं है, पर मैं ताकतवर हूँ, तो मैं इन मिर्च को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूँगी। इतना तेज क्यों? हाँ यार, उसका मुंह जल रहा होगा। देखो, उसने अपनी प्लेट खत्म कर दी। दोस्तों, मुझे लगता है मैं बीमार हो गई हूँ। मुझे बचाओ। आओ, हमें सच में उसकी मदद करनी होगी, या आग में इसे बुझा दूंगी। हाँ, अब बेहतर लग रहा है। कितना सारा फोम। हाँ, फोम ने मुझे सच में बचा लिया। धन्यवाद मोनिका। जूडी बच गई। हाँ, मोनिका की वजह से। और अब उसे अपनी मिर्च खानी होगी। मेरा शुक्रिया अदा ऐसे करोगी? वाह यार, जो भी है, चलो मुझे खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा।
मुझे लगता है मोनिका का अब दिमाग खराब होने वाला है। खाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा ये सब। तुमने इतना खा लिया है कि ऐसी आग लगेगी जिससे एक रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचकर वापस भी आ जाएगा। मुझे डर लग रहा है, ये शुरू हो रहा है। 3, 2, 1, fire. देखो, वो सच में अंतरिक्ष चली गई। मुझे देखने दो। बचाओ और निकलना होगा। मध्यम गति, बुरी शुरुआत नहीं है। भाग्यशाली हो। सबसे ज्यादा भाग्यशाली मैं निकली। अरे नहीं, ये टबास्को सॉस है। मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए गर्म दौर है। वाह, मेरा तापमान वास्तव में बढ़ रहा है। मुझे डर लग रहा है। शुरू करो मोनिका। ठीक है, पर पहले मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। हाँ, अब इन चम्मचों में टबास्को डालना है। What? Oh, no. मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम ये क्यों कर रही हो। क्योंकि यह वास्तव में मुझे धीरे, बहुत धीरे खाने में मदद करेगा। लेकिन यह अभी भी गर्म हो रहा है। ओ नहीं, मैं गर्म और गर्म होती जा रही हूँ। बेचारी, मैं जल रही हूँ। चलो कुछ ठंडे स्टेक का उपयोग करते हैं। धन्यवाद, अब मुझे अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मोनिका, अब यह मीट अच्छी तरह से पक गया है। तुम अपने तीखे टबास्को को मत भूलना। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, तुम सही मायने में मेरी दोस्त हो। मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। हो गया, मैंने कर लिया, अब बस कुछ विस्फोट ना हो जाए। खैर, यह एक धमाका था सच में। पर अब हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया हेयर स्टाइल है। इस बार हमें धीरे करना होगा। हाँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सुपर स्पीड क्या होती है। ये कैंडी तो कमाल के दिख रहे हैं। आराम से लड़कियों, चलो इसे मिलाते हैं। हाँ? वाह, ये कितना बढ़िया हो गया। मैं शुरू करती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। चलो, यह मजे करने का समय है। मैं हार नहीं मानूंगी। चोट लग गई, पर मैं अभी इस कैंडी को खत्म कर सकती हूँ। yeah. बहुत बढ़िया, अब तुम्हारी बारी। अब खाने की बारी मेरी। मोनिका, तुम सही कह रही थी, यह स्वादिष्ट है। मुझे लगता है हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम मजे करें और सोएं नहीं। तो फिर इसके कैंडी में थोड़ा कुछ मिलाएं। अरे यार, ये कितना खट्टा है। मुझे अपना मुंह जल्दी से धोना होगा। जब तक तुम ऐसा कर रही हो, तब तक मैं अपना कैंडी खाती हूँ। देखती हूँ मैं कितना समय लगाती हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इन कैंडीज को तुमसे 10 गुना तेजी से खा सकती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो मैरी? मैं यह काम ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती, पर ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ। यह कैंडी की बारिश हो रही है। बहुत बढ़िया, ये तो कमाल हो गया। लगता है मैं भाग्यशाली निकली। ओ मैं तो नहीं। ओके।
चाइनीज नूडल्स मुझे ये बहुत पसंद है। चलो देखती हूँ कि तुम सिर्फ एक चॉपस्टिक के साथ यह कैसे कर पाओगी। यह अजीब बात है, मुझे एक ही चॉपस्टिक मिला है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यह संभाल लूंगी। मैंने बहुत सारा उठा लिया। यह वास्तव में काम किया। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। हो गया, अब तुम्हारी बारी। कमाल का, और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। हाँ, मेरे चॉपस्टिक को क्या हुआ? तुम लोग थोड़ी जल्दी खुश हो रही हो। मैं किसी भी तरह से यह करके रहूंगी। लगता है कि यह पता लगाने के लिए हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। चलो अब आ भी जाओ। कितना दुख भरा प्रयास, यह कोशिश करने के लायक था। यम। कुछ एरोबेटिक्स के लिए तैयार हो जाओ। मैं इन नूडल्स को कुछ ही सेकंड में खत्म कर दूंगी। चलो इसे करते हैं। वाह, वह तो इतने सारे हाथों के साथ किसी देवी की तरह दिख रही है। हो गया, मुझे चक्कर आ रहा है। ओह, लगता है इस बार किस्मत मेरे साथ नहीं है। आखिरकार अब मैं जल्दी से सब कुछ खा सकती हूँ। वाह, गमी टेप, मेरे पास आओ। देखो यह कितना आसान हो सकता है। यह खाने में बहुत सुविधाजनक है। मैं बहुत खुश हूँ। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। मेरा हो गया, अब तुम लोग तैयार हो जाओ। जैसा तुम कहो। ओह, स्ट्रॉबेरी, मेरा पसंदीदा फ्लेवर। ये आखिर खत्म कब होगा? हमें यह काम उसके लिए थोड़ा आसान बनाना होगा। आहा! अच्छा किया मैरी, बहुत बढ़िया मोनिका। चलो देखते हैं कि मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ कि नहीं। चलो शुरू करती हूँ। अब यह हुई ना स्पीड। कई सालों की मेहनत ने मुझे एक असली चैंपियन बनाया है। माफ करना, यहाँ तो लगभग आग लग गई थी। सबसे तेज इस बार मैं होंगी। मैरी और मैं इस बार थोड़े पीछे रह जाएंगे। मैं कितनी भाग्यशाली निकली, बहुत सारा जेली। चलो पता लगाते हैं इसका स्वाद कैसा है। वाह, इसके अंदर तो कुछ भरा हुआ है। चलो इसे एक कप में डालती हूँ और अब इसका मजा लेती हूँ। बहुत बढ़िया आइडिया था, यह बहुत अच्छा था। अब तुम्हारी बारी है। मुझे इसके साथ बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मेरे पास यह खाने का कमाल का तरीका है। मैं हर बोतल में एक स्ट्रॉ डालूंगी। कितना अच्छा लग रहा है। इस दौर में मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं कि मैं तुम दोनों से बेहतर कुछ कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ। कितनी देर से चल रहा है, नींद आ रही है। एक बूंद, दो बूंद, मुझे सच में कोई हड़बड़ी नहीं है। हमें बीच में दखल देना होगा, थोड़ा टवेस्को डालना होगा, फिर स्पीड तुरंत बढ़ जाएगी।
एक और बोतल। अब यह हुआ ना मजेदार। मेरा मुंह जल रहा है।